दोस्तों आज मैं आपके साथ इंस्टेंट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और बहुत ही कम सामग्री से और जो हमारे पास घर पर इंग्रेडिएंट्स होता है ना उसी से हम ये गुलाब जामुन बना लेंगे। मतलब कि आज हम बनाएंगे सूजी के गुलाब जामुन। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, बारीक वाली सूजी लेनी होगी और गुलाब जामुन तो छोटे हो या बड़े सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये अगर हमने बनाकर रख लिए तो 4 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ सूजी से बनते हैं तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान होगा। और गुलाब जामुन तो कई तरीके से बनते हैं पर ये सूजी से बनाएंगे ना तो हमें बनाने में भी बहुत ही आसानी होगी और इसमें हम ना कोई बेकिंग पाउडर यूज करेंगे ना बेकिंग सोडा और ना ही मिल्क मेड, तो ये आसानी से हर कोई घर पे बना भी सकता है। और इसे हम ड्राई कर देंगे तो भी अच्छे लगेंगे और चाशनी वाले रहेंगे ना तो भी अच्छे लगेंगे। और दोस्तों कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ हम बनाएंगे तो हमारे गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। मतलब हम इसे अच्छे से बनाएंगे ना तो ये क्रैक भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे सूजी के गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी की तरफ। नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आप ये चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर रोज नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमने यहाँ पर 1 कप बारीक वाला रवा लिया है जिसे हम सूजी भी कहते हैं और 1 कप हमने नॉर्मल वाला जो दूध आता है वो दूध लिया है। यहाँ पर हमें सूजी बारीक वाली ही लेनी है। यहाँ पर अगर आपके पास मोटी सूजी हो ना तो आप उसे एक बार मिक्सर में चला लें। अभी हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और पैन के अंदर हम 1 टीस्पून घी डाल देंगे। और उसके बाद हम तुरंत ही उसमें रवा ले लेंगे और स्लो आंच पर हम इसे भून लेंगे, मतलब कि अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिसे हम सूजी भी कहते हैं और रवा भी कहते हैं, ये दोनों एक ही है। और यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है ताकि जो हमारा रवा है ना वो अच्छे से रोस्ट हो जाए घी के अंदर। और घी भी है ना हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना है। हमारी सूजी का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और तुरंत ही हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और जितना हमने सूजी लिया था ना उससे थोड़ा सा ही हमने ज्यादा दूध लिया था, मतलब कि जितना हमारा 1 कप सूजी था तो 1 कप दूध था पर सूजी उसमें ना सिर्फ 2 चम्मच कम थी। और हमने ना इसको एकदम ड्राई होने तक पका लिया है। अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तुरंत ही हम एक दूसरे बर्तन में इसको ले लेंगे और साथ में हम इसमें 1 चम्मच चीनी भी ले लेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 टीस्पून चीनी लिया है। इससे क्या होगा कि चीनी भी है ना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी और हमें ना इसको अच्छे से नीड करना है, जैसे कि हम हमारा आटा बनाते हैं ना रोटियों का उस तरह से नीड करेंगे, तो ये नीड भी अच्छे से हो जाएगा और जो चीनी है ना वो भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। मतलब हमें इसको चीनी मेल्ट होने तक नीडिंग करना है, 5 से 7 मिनट तक हमें इसको अच्छे से नीड करना है और एकदम स्मूथ और एकदम मुलायम सा हमें इसका डो बना लेना है। देखिए दोस्तों एकदम मुलायम और एकदम सॉफ्ट डो हमने बना लिया। अभी हमें इसको अच्छे से गोले बनाने हैं और दोस्तों कोई क्रैक ना रहे उस बात का हमें खास ध्यान रखना है, मतलब कि हल्के हाथों से अच्छे से हमको इसके गोले बनाने हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ 36 to 37 गोले बना लिए हैं। 1 कप सूजी में से यहाँ पर मैंने 36 to 37 गुलाब जामुन बना लिए हैं। मतलब ये मैंने जो है ना मीडियम साइज के गुलाब जामुन बना लिए हैं। अभी हम वो गुलाब जामुन को कोई कपड़े से ढक कर रख देंगे ताकि वो ड्राई ना हो जाए ज्यादा। और एक साइड हम इसके लिए चाशनी भी बना लेते हैं। अभी हमने जो 1 कप सूजी लिया था तो 1 कप हम इसके लिए शक्कर लेंगे और उसमें हम लेंगे 1.5 कप पानी और अच्छे से हम इसका शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। शक्कर और पानी का
अच्छे से उबाल आ जाए तब तक हमें इसको गैस पे रखना है, मतलब कि तब तक हमें इसको उबालना है। और अभी आप देख सकते हो कि हमारी जो चाशनी है उसमें उबाल आना भी शुरू हो चुके हैं, मतलब कि ये ठीक होना भी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर केसर या इलायची भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ इलायची पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर लिया है। और अगर आप केसर पसंद करते हो तो कुछ दागे केसर के भी डाल सकते हो। और दोस्तों हमने एक साइड कढ़ाई में तेल भी गर्म करने के लिए रख लिया है। अभी हम हमारे तेल को भी चेक कर लेते हैं कि हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। हम चाहे तो यहाँ पर आधा तेल और आधा घी भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अभी हम ये गुलाब जामुन के बॉल्स को मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे, मतलब कि हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। और ये गुलाब जामुन को हम बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडा के बना रहे तो धीमी आंच पर ही हमें इसको पकाना बहुत ही जरूरी है, ताकि ये हमारे गुलाब जामुन अंदर तक भी अच्छे से पक जाए और हमें इसको सुनहरी कलर आने तक अच्छे से डीप फ्राई करना है। देखिए दोस्तों हमने इसका एकदम अच्छे से सुनहरी कलर आने तक डीप फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और धीरे धीरे करके दूसरे भी हम गुलाब जामुन के बॉल को गरम तेल में डालते जाएंगे और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम ही रहने देंगे। यहाँ पर हमें ये गुलाब जामुन को तलने में 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। दोस्तों हमारे कढ़ाई के ऊपर भी डिपेंड होता है कि हमारी कढ़ाई अगर मोटे तलिए की है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, और अगर हमारी कढ़ाई पतले तलिए की हो ना तो ये जल्दी से डीप फ्राई हो जाएंगे, पर हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना होगा। जो हमने शुगर सिरप तैयार रखी है उसमें हमारे जो गुलाब जामुन तलकर रेडी रखे उसको हम डाल देंगे, मतलब कि अच्छे से हम चाशनी में रख देंगे, ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो चाशनी को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एक साइड हमारे गुलाब जामुन तले भी जा रहे हैं, मतलब कि कढ़ाई में डीप फ्राई भी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सारे गुलाब जामुन को हमने चाशनी के अंदर रख दिया है, ताकि हमारे गुलाब जामुन है ना चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, मतलब कि चाशनी को अच्छे से पी ले। ये प्रोसेस को हमें 1.5 से 2 घंटों के लिए रख देना है, ताकि हमारे जो गुलाब जामुन की चाशनी है ना पूरी अंदर तक चली जाए, मतलब कि जो हमने गुलाब जामुन के बॉल बनाए हैं वो अंदर तक रसीले हो जाए। देखिए दोस्तों हम एक गुलाब जामुन को चेक भी कर लेते हैं और हमारे सारे गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बने हैं, कोई भी गुलाब जामुन हमारा कहीं से क्रैक भी नहीं हुआ है और टूटा भी नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमारे जो गुलाब जामुन है थोड़े ड्राई है, मतलब अंदर तक चाशनी एब्जॉर्ब नहीं की है, तो हमें स्लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए कुक भी कर सकते हैं। और चाशनी भी हमें है ना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो चाशनी है ना वो अपने आप ही ये गुलाब जामुन 1.5 से 2 घंटों में एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब कि अच्छे से चाशनी को ये पी लेंगे, ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है एकदम रसीले और ऊपर से एकदम मतलब बिना चिपचिप वाले रहेंगे। तो देखा ना दोस्तों एकदम मिनटों में हमने सूजी के गुलाब जामुन बना लिए। और आप चाहे तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट से गार्निश भी कर सकते हो। हमने ऑलरेडी इसके अंदर इलायची पाउडर तो डाल ही दिया है। वैसे तो गुलाब जामुन गरम भी अच्छे लगते हैं, अगर ठंडे पसंद हो तो हम इसको 1.5 से 2 घंटों के लिए बाहर रखने के बाद उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। हम चाशनी में डुबोते हैं ना तो तुरंत ही हमें इसको फ्रिज में नहीं रखना है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो गुलाब जामुन है वो एकदम परफेक्ट रेडी है। 2 घंटों तक चाशनी में डूबने के बाद परफेक्ट अंदर तक ये रसीला बन चुका है। अभी आप देख ही सकते हो हमारे गुलाब जामुन की थिकनेस को, मतलब कि अंदर तक कितना रसीला लग रहा है ये। तो अभी हम ये गुलाब जामुन को चेक भी कर लेंगे। देखिए दोस्तों अभी हमने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया है चम्मच से, तो आप देख ही सकते हो कि एकदम परफेक्ट चाशनी वाला गुलाब जामुन हमारा रेडी है। तो दोस्तों आप भी ये
सूजी के गुलाब जामुन जरूर से ट्राई करना और आपके गुलाब जामुन कैसे बने हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ। रोज नई रेसिपी के लिए पारुल भानुशाली की रेसिपी को फॉलो करते रहिए और दोस्तों अपने सुझाव भी आप मुझे देते रहिए।